अभी फाइनली इसका जल्दी से इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अभी आप लोगों को अगर इंस्टॉल करना है तो बेसिकली मेरे पास में ये जो है स्क्रू ड्राइवर सेट है, ये वाला जो है ये जीबी का टैंक बैग है। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टुडे इज संडे। तो बेसिकली आज मेरे को टाइम मिला एंड मैंने काफी टाइम से सोच रखा था कि मैं एक जीबी टैंक बैग का जो इंस्टॉलेशन है उसका वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों को पता है कि मैं कावासाकी Z800 के साथ में जो है जीबी का जो टैंक बैग है वो यूज कर रहा था। मैंने नॉर्थ ईस्ट राइड भी की एंड छोटे मोटे राइड काफी सारी की है। तो आप लोगों को ना बहुत हैंडी हो जाता है अगर आप उसमें सामान रखते हो, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एंड स्पेशली आप जब लंबी राइड पे जाते हो ना, तो आप लोगों को कोई एक बैग ऐसा हैंडी चाहिए होता है जिसमें कि आप लोग पर्स, फोन और छोटा मोटा जो भी व्लॉगिंग का सेटअप है आजकल काफ़ी लोग कैरी करते हैं, गोप्रोज और वो सब, ये सारी जो चीज़ें हैं बैग में ऐसा रखना चाहिए कि जो कि हैंडी रहे। आप लोग कभी भी लंच के लिए, ब्रेक के लिए, किसी के लिए रुक रहे हो तो आप लोगों को ईजिली अनमाउंट हो पाए। तो मैं जो है जीवी का टैंक बैग यूज़ कर रहा था, तो अभी जो है उसी सेम बैग को मैं 850 GSA में यूज़ करूंगा। तो उसमें एक छोटा सा चेंज रहा बस, जो 850 GSA का जो टैंक रिग है वो अलग आता है। तो जो टैंक रिग है उसको इंस्टॉल करेंगे और बाकी जो सेटअप है वो सारा सेम रहेगा। टैंक रिग का प्राइस आप लोगों को थोड़ी देर में बता देता हूँ, जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आप लोगों को सारी चीजें पता लग जाएंगी एंड कैसे आप लोगों को इंस्टॉलेशन करना है वो भी एक एक चीज मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो गाइस आप लोगों को शूट करने से पहले मैं दिखा देता हूँ मेरे पास में क्या क्या है। तो बेसिकली ये वाला जो है ये जीबी का टैंक बैग है, इसका मैं मॉडल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आप लोग खरीद सकते हो जाके। बाइक एंड बाइकर से मैंने लिया था एंड इसकी मेरे को दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो बैग है वो बेसिकली किसी भी बाइक में है वो माउंट हो जाता है। तो जो चेंजेस है वो सिर्फ टैंक रिंग में रहता है एंड ये वाला अगर आप देख रहे हो ये बैग के साथ में आता है, तो इसके जो पीछे साइड में है यहाँ पे ये क्लिप हो जाता है और जो बैग के अंदर का स्पेस दिखा देता हूँ आप लोगों को, इस तरीके का स्पेस रहता है। तो बेसिकली मेरा जो भी GoPro का सेटअप है वो सारी चीज़ें इधर पर आ जाती हैं। देन आई कैन कैरी अ सोनी A7C जो कि मैं यूजुअली कैरी करता हूँ राइड के टाइम पे, और वो यहाँ पे आ जाता है। बाकी छोटा मोटा सामान, पर्स और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वेरी यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम जीवी एंड इसके साथ में जो आप लोगों को ये ऊपर जो है पाउच सा मिल जाता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें कि आप लोग अपना फ़ोन माउंट करके रख सकते हो। सो आई वुड नॉट सजेस्ट क्योंकि फ़ोन काफ़ी गर्म हो जाता है जब भी, अगर समर का टाइम होता है तो अगर आप लगा देते हो एंड स्पेशली जब ये यहाँ से आप खोल के लगाते हो एंड जब फ़ोन गर्म हो रहा है तो वो जो अंदर में ही है क्योंकि यहाँ पे वेलक्रोज लगे हुए हैं तो जो हीट अंदर ही कैप्चर होती रहती है, इसलिए आपका फ़ोन ओवरहीट हो सकता है। तो वो चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा, फ़ोन आप लोग या तो अंदर रख लो या फिर अपने पॉकेट में रख लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को जो पीछे वाला साइड दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे करके क्लिप रहता है जो ये रेड कलर के आप लोगों को दिख रहे होंगे, बेसिकली ये प्रेस हो जाते हैं और ये जो रिंग आप लोगों को दिख रही है ये बेसिकली इस तरीके से माउंट हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को दो लैचेस दिखेंगे जिसके बीच में ये फंस जाती है एंड अगर मैं यहाँ पे इसको सीधे रख रहा हूँ तो देखो कितने ईजिली क्लिप हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड अगर आप लोग राइड कर रहे हो और आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप बाइक राइड करते टाइम में उस चीज़ को हटा के लेके नहीं जा सकते हो अगर वो बैग है जो कि ईजिली रिमूवेबल नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है अगर आप लोग ये बैग यूज़ करते हो। और देन जब निकालना हो इसको तो इसको जस्ट प्रेस करना होता है एंड आप लोगों का ये जो बैग है वो इजीली रिमूव हो जाता है आपके टैंक से। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास में जो पहले बाइक थी कावासाकी Z800 थी, तो उस टाइम पे कावासाकी Z800 के साथ में जो टैंक रिंग आती है वो अलग थी जो कि ये वाली है एंड अभी भी मेरे पास में इसका जो कवर है वो रखा हुआ है। बेसिकली इसका प्राइस था 1399 एंड जो आप लोगों को ये जो ऊपर वाला जो फोटो दिख रहा है बेसिकली ये टैंक रिंग होती है, आप लोगों का नट खुलता है एंड उसके साथ में इस तरीके से कुछ माउंट हो जाता है। बाकी अगर BMW 850 GSA की बात की जाए या फिर इसमें देखो आप लोगों को मॉडल भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सा कवर होता है, BMW के 1200 RS के लिए, डुकाटी मल्टी स्टार्टर के लिए, KTM 1290 सुपर ADV डुकाटी मल्टी स्टार्टर 950 एंड BMW F850 GSA, ये जो टैंक रिंग है इन सारी बाइक्स के लिए कंपेटिबल है और इसका प्राइस पड़ता है 1499। तो इसका जो प्राइस है मेरे को सही लगा क्योंकि मेरा पूरा जो सेटअप है वो यूज़ हो गया एंड मेरे को सिर्फ टैंक रिंग चेंज करनी पड़ी। तो जो टैंक रिंग रहेगी वो बेसिकली इसके ऊपर लग जाएगी एंड यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा जो ये वी शेप में जो मार्क दिख रहा है ये इसमें फंस जाता है एंड आप लोगों का जो नट्स है वो यहाँ पे
चले जाते हैं एंड वो बाइक में अच्छे से माउंट कर देते हैं इस चीज़ को, जिससे कि आप लोगों का ये जो पार्ट है ये टैंक से निकल के ना आए एंड कोई निकाल ना पाए इसको, तो वो चीज़ बहुत सही रहती है, ईजी है। और उसके अलावा ये जो है आप लोगों को रेन कवर भी मिलता है इसके साथ में, जिसमें आप लोगों को अगर यहाँ पे लगाना भी है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट कवर बेसिकली आप लोग मिल जाता है अगर आप फोन यहाँ पे माउंट कर रहे हो। जो इंस्टॉलेशन है वो आप लोगों को मैं खुद से करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत इजी सेटअप है, आराम से आप लोग लगा सकते हो। तो अभी बिना कुछ देरी किए यहाँ से चलते हैं एंड मैंने नीचे बाइक खड़ी की हुई है तो पास में ही है अपना एक अच्छा सा पीसफुल लोकेशन लेके, देन आप लोगों को माउंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपनी खड़ी है कार एंड अभी फाइनली इसका जल्दी से इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ पे बाइक खड़ी है, इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अभी इसका इंस्टॉलेशन फाइनली होगा। देखो यहाँ पे जो है ये स्टार शेप में जो इसके बोल्ट्स हैं, अभी इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये वाला जो क्लैंप है, मतलब ये वाला जो है, इसको यहीं पर फिक्स रखना पड़ेगा, आराम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो सेंसर रहता है, कुछ इसमें वायरिंग गई हुई है मैंने जहाँ तक देखा था इसका इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो अभी आप लोगों को अगर इंस्टॉल करना है तो बेसिकली मेरे पास में ये जो है स्क्रू ड्राइवर सेट है, हार्डली 250 रुपीस का आता है, कुछ यहाँ मिनीसो से लिया था मैंने, तो इसी के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी आप लोगों को अभी ये दो जो चार हैं वो नट्स खोलने पड़ेंगे एंड अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें। तो ये वाला है, ये कुछ मैनुअल है, इसका मैनुअल में दिखा रखा है कि किस तरीके से लगेगा। बेसिकली जो आप लोगों का ये प्लास्टिक वाला पार्ट है ये जाएगा, देन उसके ऊपर से आप लोगों को वी शेप जो यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ पे क्लैंप हो जाएगा इस तरीके से एंड बाकी जो चार बोल्ट है यहाँ पे लगेंगे। इसी के साथ में आप लोगों को ये जो बड़े वाले बोल्ट्स हैं वो सारे मिल जाते हैं, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग वाले बोल्ट्स हैं उसको निकाल के आप लोगों को ईजिली फिट कर पाओ, क्योंकि जो पहले से बाइक में लगे हुए हैं वो वाले छोटे रहते हैं। अभी इसको खोल लेते हैं आराम से। बाकी ये वाला जो है ये एल की से ही खोल जाएगा। तो ये वाला जो है ये बराबर से फिट हो रहा है, तो अभी इसको यूज़ करके हम लोग फिट करेंगे। एक ये वाला माउंट जो है ये निकाल लेता हूँ और इसी के साथ में एक बाइक वाला रहेगा, ये वाला इसमें सही से फिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये परफेक्टली आ गया, तो अभी ये चार बोल्ट खोलेंगे। तो अभी ये चारों बोल्ट खोल चुके हैं। अभी इसका अभी जो ये वाला क्लैंप है ये यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से माउंट हो जाएगा। देखो तो ये वाला जो है यहाँ पे इस तरीके से माउंट हो जाएगा एंड आप लोगों को बस थोड़ा सा इस तरीके से देखना है कि ये जो जो टैंक का जो ओपनिंग है ये खोलने में दिक्कत ना हो। देखो तो ये आराम से यहाँ पर खुल रहा है, बस इसका स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये नहीं खुलेगा तो फिर इसका फिटिंग सही से नहीं बैठेगा। और यहाँ पे इस तरीके से फिट हो जाएगा, पहला बोल्ट यहाँ पे, दूसरा बोल्ट इधर पे, तीसरा आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा एंड जो चौथा बोल्ट है वो यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये वाला जो पूरा है इसका अच्छे से सेट हो चुका है, अभी यहाँ पे इजीली आ सकता है। और अभी हम लोगों को ये जो चारों बोल्ट है वो टाइट कर देना। तो बेसिकली ये जो चार दो बोल्ट हैं ऊपर वाले ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेंसर लगा होता है। तो धीरे धीरे अगर यहाँ पे चारों धीरे धीरे टाइट करो, जिससे कि आप लोगों को जो सरफेस है ना उसका आइडिया लग जाए ये इवनली प्लेस हुआ है कि नहीं। तो अभी देखो ये अच्छे से माउंट हो गया है। तो अगर आप लोगों को BMW 850 का टैंक खोलना होता है तो पहले आप लोगों को बाइक बंद करनी है एंड देन उसके बाद में आप लोगों को इस तरीके से खोल देना है। कितने इजीली इंस्टॉलेशन हो गया। तो अब यहाँ पे ये टैंक रिंग लग चुका है, जो कि इजीली आप लोगों का जो टैंक है उसके ऊपर माउंट हो गया है। बेसिकली यहाँ चार बोल्ट्स खुले एंड सेम चीज़ टाइट कर दी। यहाँ पे अगर आप लोग ये लूज छोड़ दोगे ना तो आप लोगों का टैंक लॉक हो जाएगा, उसको खोलने नहीं देगा बेसिकली। तो ये चीज़ आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो पहले एक लगाने में गलती होगी, मैंने इसको उल्टा लगा दिया। बेसिकली ऊपर के चार बोल्ट खुलेंगे
एंड उसके बाद में आप लोगों का जो है ये यहाँ पे माउंट हो जाएगा। ये वाले दो नीचे के बोल्ट हैं ये ऐसे ही रहेंगे, अदरवाइज़ जो आप लोगों का बैग है ना क्लिप करने में मुश्किल आएगा अगर उस साइड में होता है। एंड स्पेशली ये GPS माउंट आई होप सो मतलब आई गेस इसको निकालना पड़ेगा। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि कितना इजीली माउंट हो जाता है, एंड जो अभी अपना ये वाला बैग है इसको क्लिप करेंगे। तो बेसिकली ये वाला जो राउंड कलर का है, जो राउंड है इसको यहाँ पे क्लिप करना है। तो यहाँ पे बस कितना इजीली हो गया, अभी आप लोगों को निकालना है तो बेसिकली बस यहाँ से एक क्लिक करो और इजीली निकल जाता है। तो एक चीज़ और आप लोगों को देख के रखनी पड़ेगी कि ये जो GPS माउंट है बेसिकली ये यहाँ पे लग रहा है हल्का सा, तो अगर पॉसिबल है तो एक जाना का अभी जो जाना का एक माउंट आया है जो कि यहाँ पे क्लैंप हो जाता है, तो मैं ट्राई करूँगा उसको लेने का। एंड तब तक वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से, क्योंकि बैग सॉफ्ट है तो आप लोगों को टर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बेसिकली, तो आराम से हो सकता है। बट ओनली थिंग इज़ कि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो ये चीज़ यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसको मैं ट्राई करूँगा इसको यहाँ पे माउंट करने का।